हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ए पी एस इंग्लिश क्लासेस दिस इज प्रकाश एंड स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट टू तो आज हम लोग असाइनमेंट टू का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने सिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन से हम लोग शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन है कि वेयर डज द काइट फ्लाई काइट कहाँ उड़ती है तो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द काइट ठीक है आपकी बुक की पोयम द काइट से इस क्वेश्चन को लिया गया है जिसका आंसर है कि द काइट फ्लाइज इन द स्काई यानी काइट आकाश में उड़ती है क्वेश्चन नंबर एट है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द काइट यानी पोयम काइट का पोएट का कौन है तो आंसर है कि हैंनरी बेन इज द पोएट ऑफ द पोयम द काइट तो इस पोयम द काइट के पोएट हैंनरी बेन है क्वेश्चन नंबर नाइन कि विच काइट इज ब्राइट कौन सा काइट ब्राइट है ब्राइट मीन्स चमकीला शाइनी तो कौन सा काइट शाइनी यानी कि चमकीला है तो आंसर है कि अ न्यू काइट इज ब्राइट यानी कि जो नई काइट है वो ब्राइट है तो हम लोग जो नई काइट्स लाते हैं जो नया पतंग पतंग लाते हैं तो नया पतंग हमेशा कैसा होता है एकदम बढ़िया चमकीला होता है शाइनी होता है ठीक है लुक्स वेरी नाइस बहुत अच्छा दिखाई देता है तो जो आंसर होगा इसका होगा न्यू काइट क्वेश्चन नंबर टेन वॉट डि तारो डू ऑल लॉन्ग इन द फॉरेस्ट तो टारो ने टारो पूरे दिन फॉरेस्ट में क्या करता था तो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ योर बुक तारोस रिवार्ड तारो तारोस रिवॉर्ड चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है जिसमें ये पूछ रहा है कि तारो कौन सा काम करता था यानी कि पूरे दिन वो क्या करता था तो आंसर है कि तारो चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट ऑल डे लॉन्ग यानी कि तारो पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था चॉप्ड मिस होता है काटना तो तारो लकड़ियां काटता था जंगल में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एम्प्रर ऑफ जापान गिव टारो एज अ रिवॉर्ड जापान के एम्प्रर ने जापान के सम्राट ने टारो को रिवॉर्ड के रूप में क्या दिया तो इसका आंसर है कि द एम्पर ऑफ जापान गेप टारो ट्वेंटी पीसेस ऑफ गोल्ड एज ए रिवार्ड यानी कि जापान के एम्पर ने जापान के सम्राट ने टारो को ट्वेंटी पीसेज ऑफ गोल्ड यानी कि ट्वेंटी गोल्ड क्वाइंस रिवार्ड के रूप में दिया था वेन ही केम टू नो अबाउट टारो एंड हिज मैजिकल जो उसका मैजिकल uh, जो वो था वाटरफॉल था ठीक है जो मैजिकल वाटरफॉल और टारो के बारे में जब एम्प्रर uh, को जानकारी मिली तो उन्हें एम्पर उन्होंने टारो को अपने किंगडम में इसको इनवाइट किया और उसको रिवार्ड दिया ठीक है और साथ में वाटरफॉल का नाम भी उन्होंने टारो के नाम पर रख दिया था और ये किस लिए किया गया था ताकि दूसरे बच्चे प्रोत्साहित हों इनक्रेज हों और वह अपने पेरेंट्स अपने बड़ों की सेवा करें उनका सम्मान करें तो इसलिए तारों की जो अपने माता पिता के प्रति जो समर्पण था जो सम्मान था तो उस उसके कारण से सम्राट ने उसको अपने यहाँ इन्वाइट किया और उसको पुरस्कृत किया था ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से इसी चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज तारोस फादर विश तारो के फादर की विश क्या थी उनकी इच्छा क्या थी तो स्टूडेंट्स आपने स्टोरी जो पढ़ी होगी तो उसमें स्टार्टिंग में ही आया है कि जो टारो था वाज वेरी पुअर बट ही रेस्पेक्टेड हिज़ फादर वेरी मच एंड ही वांटेड टू फुलफ़िल हिज़ फादर्स एवरी विश तो वह अपने फादर के हर एक विश को पूरा करना चाहता था बट ही वाज पुअर एंड ही कुड नॉट अफोर्ड तो दैट्स वाई ही वॉज नॉट हैप्पी है तो वो इसी वजह से वो खुश नहीं था क्योंकि उसके फादर जो है हमेशा वो अपने फादर को मतलब बेटर लाइफ देना चाहता था ही वॉन्टेड टू गिव बेटर लाइफ टू हिज पेरेंट्स तो इसी वो हमेशा उदास रहता था तो एक दिन उसके पेरेंट्स उसके फादर ने जो है एक विश की तो उनका जो विश थी वो थी मतलब एक आ, कप Uh, वो शेक पीने की ठीक है उन्होंने अपने जो विश थी उस एक्सप्रेस की तो यहीं से क्वेश्चन आया है कि वॉट वॉज तारोज़ फादर विश तारो के फादर की जो विश थी वो क्या थी तो आंसर है कि तारोज़ फादर ग्रेटेस्ट विश वॉज टू ड्रिंक अ कप ऑफ शेक यानी कि तारो के फादर की जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो एक कप शेक पीने की थी ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये पार्ट आपका यहाँ से समाप्त होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे इसके आगे की चर्चा करेंगे तब तक के लिए बाय थैंक यू